कौन सा एग्जाम का पेपर है? एंट्रेंस एग्जाम, और उसमें आया था ट्री लिखो। क्या आप बता सकते हैं ट्री को कैसे लिखें? ट्री का स्पेलिंग तो पता है, बच्चों को पता है, जो भी 9th-10th के या 11th-12th के बच्चे जो ड्राइंग एग्जाम के लिए अपियर हो रहे थे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें एक क्वेश्चन था राइट ट्री। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है ना, ट्री लिखना मीन्स बिल्कुल सिंपल TREE, यही है ना, या हिंदी में या इंग्लिश में। तो दोस्तों यहां पर कुछ सरप्राइज है या एक्साइटमेंट है, जो लोग आर्ट एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं या फिर फाउंडेशन फाइन आर्ट में एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरिंग या फिर टाइपोग्राफी। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी शब्द दिया जाता है उस शब्द को विजुअल कैसे हम क्रिएट करें, उसको विजुअल तरीके में कैसे दिखाए। तो क्या था, तुम डर गए थे क्या एग्जाम में? मैं थोड़ी डरा था, मुझे तो मजा आ रहा था। तुम नहीं डरे थे? ओके, तुम तो क्रिएटिव हो, तुमको तो सब कुछ पहले ही पता है। ट्री बोला है तो टी को ट्री बना देना है और फिर आर ई ई, यही ना? हाँ हाँ, ये तो बहुत इजी है। क्या बात है। तो जी हाँ दोस्तों, टाइपोग्राफी का मतलब है हमें जो वर्ड दिया जाता है या जो शब्द दिया जाता है ना, वो शब्द का मीनिंग क्या है उसके हिसाब से हमको उस वर्ड को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो जैसा अभी दूसरा शब्द हम लेते हैं वॉल। ओके, तो जब ये वॉल लिखेंगे WALL कैपिटल लिखेंगे और उसके अंदर में वॉल का टेक्सचर दे देंगे, याद है आपने लास्ट टाइम टेक्सचर सीखा था, तो वॉल के ब्रिक्स बना देंगे, सिंपल ना। चलिए दूसरा वर्ड लेते हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ऐसे ही हम लोग अभी सीखेंगे। ओके, फिर इस पे प्रैक्टिकल वर्क हम लोग बाद में करेंगे, आज समझ के लेते हैं कि टाइपोग्राफी क्या है। ये हमारे CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड SSC बोर्ड में भी ड्राइंग एग्जाम में आता है, या फिर जो लोग आगे की पढ़ाई करते आर्ट कॉलेज में भी। तो ये है आर्ट टेक, मैं कविता ठाकुर आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं हर एक दिन कुछ नया नया टेक्निक एंड मेथड्स ऑफ आर्ट। तो चलिए आप समझते हैं, जैसे हमने ट्री का समझ लिया, टी को हम ट्री बना देंगे REE, क्लियर। अब दूसरा वर्ड तुम बोलो, आमची मुंबई। अच्छा मुंबई, ओके ओके ग्रेट। तो मुंबई बोलेंगे तो आपके विजुअल में या थॉट में क्या आता है, सोचो, गेटवे ऑफ इंडिया आता है, सूज हाउस आता है, या बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स, मेट्रो सिटी कैसा होता है वैसा आता है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, मुंबई नीचे लिखेंगे और बैकग्राउंड में हम ऊपर से थोड़े टॉल टॉल बिल्डिंग बना सकते हैं, ऐसा मुंबई। ओके, दूसरा एक वर्ड और लेते हैं, हिमालय। तो हिमालय भी सिंपल है, या फिर माउंटेन, दोनों में आप कोई भी ले लो, तो वो वर्ड लिखेंगे और उसके पीछे में हम माउंटेन, हिमालय, बर्फ वगैरह दिखा सकते हैं, जैसे कि ये है। और कलर स्कीम का बहुत ध्यान रखना है, आप जो भी वर्ड लिख रहे हो ना उसका कलर स्कीम वैसा ही होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए चलिए, और आप लोग भी नीचे कमेंट करिए तो उसमें हम लोग, और हाँ अगर आप कम्युनिटी को नहीं ज्वाइन किए तो कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आप अपना काम बताएंगे तो हम लोग उसमें भी आपको गाइड कर सकते हैं, और टेलीग्राम हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप नए हैं, अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगर आप मुझे पसंद करते हैं और मैं वैल्यू दे पा रहा हूं, छोटू ने बोला अगर आप छोटू को पसंद करते हो तो चलिए जल्दी से जल्दी छोटू के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ने से एक चीज और बता दूं, ये टाइपोग्राफी के ऊपर है ना हमारा एक ई बुक है, वो ई बुक में बहुत सारे आइडियाज और डिटेल्स हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप ये ई बुक भी, आप डिजाइन एंड लेटरिंग का ई बुक है, ये भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी से। तो चलिए अब अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, अगला वर्ड है फैमिली। ओके, तो फैमिली हो गया तो FAMILY, इस यहाँ पे तीन लेटर्स को हम तीन फिगर बना सकते हैं, सिंबॉलिक, बहुत डिटेल नहीं, या कुछ और भी आप सोच सकते हैं, एक दो पेरेंट्स और एक बच्चा किसी लेटर को बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। फिर अगला आते हैं चलिए रूट। तो रूट के लिए आप क्या करेंगे, रूट स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल नहीं, और नीचे एक लाइन देके उसके नीचे रूट्स बना देंगे, है ना।
वैसे ही हो गया लीफ, उसमें भी एक लेटर्स को आप लीफ बना सकते हैं। फिर हमने बोला फ्लावर, तो एफ एल डब्ल्यू, ओके ई आर हो गया ना, एफ एल ओ, ओ को हम फ्लावर बना सकते हैं। तो ये बहुत क्रिएटिव वे में आप किसी वर्ड को प्रेजेंट कर सकते हो और इसका यूज आप कहीं भी कर सकते हो, है ना दोस्तों। कितना बढ़िया है टाइपोग्राफी। अब किसी का नाम में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, और कोई वर्ड सोच सकते हैं, एक वर्ड है वो आप जाके देखना, आज हमारे शॉर्ट्स में भी आया है वो, लुक, यस। तो एल ओ ओ के, तो जो दो सेंटर में ओ आया ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आई बना सकते हैं। तो ऐसी कुछ क्रिएटिविटी आइडियाज आपको डालना है इस वर्ड्स में और उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम किसी वर्ड का फीलिंग और मीनिंग उसको कलर और ड्राइंग के द्वारा, इमोशंस के द्वारा उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, तो आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा आपके मन में कौन सा विचार आता है, और आप भी लिखिए तो हम आप लोगों के वर्ड को भी सेलेक्ट करके उस पर भी हम लोग एक एपिसोड बनाएंगे। अब चलिए देखते हैं हमारा कुछ जो ई बुक का सेक्शन में क्या क्या हमने कुछ लिया है, ये आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, ओके दोस्तों। तो चलिए वो देख के आते हैं और फिर हम इसमें प्रैक्टिकल अगले सेशन में करेंगे, आइए। वाह, फ्लावर तो कितना सुंदर लिखा है हमने, तो देखा फ्लावर ये जो है इसके ओ को हमने फ्लावर बना दिया। अब यहाँ पे लीफ देखो आप, तो लास्ट का जो एफ है उसको लीफ का शेप दे दिया। अब जैसे कि ट्री हमने बताया था, टी को ट्री बना दिया। वुड में हमने वुड का लकड़ी का टेक्सचर दे दिया। फायर को रेड कलर किया और नीचे से थोड़ा फायर दिखा दिया। अब फेस्टिवल तो पूरा फेस्टिवल दिख रहा है ना। अब मुंबई, मुंबई का हमने बोला था ना टावर बिल्डिंग, तो मुंबई। अब म्यूजिक में तो कुछ तो रिदम एंड जिंगल रहेगा ना, वाह। और माउंटेन वैसे ही हिमालय का बर्फ वो, और माउंटेन में भी। अब ये कट लग रहा है ना, अरे चोट लग गया, ब्लीडिंग हो रहा है। और फैट में एक कोई फैट कर दिया, देखिए अब स्प्लैश में लग रहा है ना, पानी उछल रहा है, क्या मजा आ रहा है। और फ्लाई में वाई को ही हमने फ्लाई कर दिया, और अरे बाप रे देख के डर लग गया, टाइगर, वाह। और यहाँ पर हमने किया सेव वाटर, वाह दोस्तों, देखा आपने कितना मतलब क्रिएटिव है ना। आप एक बार ये समझ गए ना कि लेटर्स को हम कैसे डिजाइन करते हैं, टाइपोग्राफी को, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और कोई भी वर्ड को आप इतना ही सुंदर से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इवन कार्ड में भी लिख सकते हैं वो, उसमें भी जैसे न्यू ईयर हुआ, क्रिसमस हुआ। अभी एक वर्ड मैं बोलती हूँ, मानसून, तो आप मानसून को कैसे लिखेंगे, उसमें आप बादल दिखाएंगे, बारिश दिखाएंगे, है ना। स्नेल, एस एन ए, तो उसमें कोई एक वर्ड को आप स्नेल बना देंगे, ओके। ऐसे ही हम बोलते हैं, समझ लीजिए फ्रॉग, तो आप सोचेंगे फ्रॉग को कैसे बनाऊं, तो उसमें एटलीस्ट ओ को आप फ्रॉग का फेस बना सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं और आप इंजॉय करेंगे इसमें। और एक वर्ड वो कुछ ऐसा वर्ड है जैसे कि स्प्लैश, तो आप जब स्प्लैश लिखेंगे तो वर्ड भी थोड़ा सा बिखरा होना चाहिए और पीछे से पानी का स्प्लैश होना चाहिए, है ना। और एक रेनबो, तो आप जब रेनबो लिखेंगे तो बैकग्राउंड में आप थोड़ा सा रेनबो का रेन दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से चलिए प्रैक्टिस करते हैं, कैसा लगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने इस टॉपिक पे स्पेशलाइजेशन भी किया था, मेरा जब भी डिग्री, फाइव ईयर डिग्री मेरा कमर्शियल आर्ट चल रहा था, तो बहुत इंजॉय करते हैं। और यही वर्ड पे जब हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इस कमर्शियल आर्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, इसको हम लोग जब बाद में कंपनीज के लिए करते हैं ना, तो एक अलग लेवल पे स्टडी करते हैं। और ये है हमारा कमर्शियल आर्ट, ये फाइन आर्ट में नहीं आता है, जिसमें कि हम कंपनी की ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसका एडवर्टाइजिंग, विजुअल कम्युनिकेशन जो बोलते हैं कि हम विजुअल के द्वारा कैसे कंपनी का को प्रेजेंट करते हैं, उसका आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, उसका ब्रांडिंग क्रिएट करते हैं। तो आज आप जाके देखना गूगल में बहुत सारे कंपनीज का नाम देखना, उसका क्या वजन है ना। कोई भी नाम का एक अपना ही अस्तित्व होता है। तो हम जो टाइपोग्राफी या लेटरिंग सीख रहे हैं, ये हमारा एकदम फाउंडेशन लेवल है, इसमें आप समझ के ले रहे हैं, छोटे छोटे सिंपल वर्ड को सीख रहे हैं। लेकिन यही जब हम
मार्केट में जब काम करते हैं, हमारा जब ग्रेजुएशन होने के बाद, मास्टर होने के बाद, तो ये एक अलग लेवल का काम होता है, वो मैं अभी यहाँ पर नहीं समझा सकती, लेकिन बेसिक आप इसका समझ गए हो। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, आप भी कुछ नाम लीजिए और उसको क्रिएट कीजिए। तो छोटू और मेरे साथ आप अपने लिए बोलिए, वाह क्या बात है। चलो मिलते हैं एक नए नाम के साथ।